एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज है इवान का 9 मंथ वाला बर्थडे, इसलिए हमने सोचा कि अभी वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है तो चलो कुछ वैलेंटाइन थीम प्लान करते हैं, उस हिसाब से हम इसका आज बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके पहले हमें इसको आज वैक्सीनेशन के लिए भी ले जाना है क्योंकि आज है सैटरडे एंड संडे को पता नहीं डॉक्टर होंगे नहीं होंगे, तो अभी हम लोग निकल गए हैं वैक्सीन दिलाने। एक्चुअली हमने सोचा था हम इसको संडे को वैक्सीन दिलाएंगे, बट मंडे के ऑफिस होता है हम दोनों का एंड हमने सोचा कि रिस्क क्यों ले, अगर इसको रात में पेन हुआ या कुछ भी हुआ तो ये हमें सोने नहीं देगा, इसको बेटर है इसको हम सैटरडे को ही दिलाते हैं। एंड पीयूष हमेशा टाइम पे वैक्सीन दिलाना लाइक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो एक दिन भी इधर उधर नहीं करते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन सब चीज़ों में। तो अभी हम लोग ऑटो राइड इवान अभी ऑटो राइड ले रहा है एंड एक्चुअली ही इज़ नॉट लाइकिंग, इसका एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा है, बट कोई नहीं, हिलते डुलते फाइनली हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं एंड इस बेचारे बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज इसके बर्थडे वाले दिन हम लोग इसको वैक्सीन दिलाने ले जा रहे हैं। बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, खुद पे बिल पे करेगा तुम वैक्सीन से पहले डॉक्टर ने इवान का नॉर्मल चेकअप किया, इसका ग्रोथ है नॉल सारा कुछ इन्होंने देखा, इसका हाइट वगैरह वेट वगैरह सारा कुछ मेजर किया। देन इसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, इसका एक्सप्रेशन चेक किया एंड इसका मूवमेंट एंड ऑल एवरीथिंग, लाइक मुझे ये डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, बहुत टाइम दिए एंड पूरा इसका एक एक छोटा छोटा यू नो एक्सप्रेशन, इसका बिहेवियर, इसका मूवमेंट, एवरीथिंग वो चेक कर रहे थे। देन इसके पूरे बॉडी पार्ट्स को भी उन्होंने अच्छे से चेक किया, लाइक अच्छे से ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड इसके साथ इन्होंने कुछ गेम्स भी खेला जिसमें इवान बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, ही वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग, डॉक्टर भी इन्जॉय कर रहे थे इसके साथ एंड बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए एंड एट द एंड डॉक्टर ने बोला कि इवान का सारा ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइक नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। तो इस टाइम जब इसका वो एग्जामिन कर रहे थे ना, मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से, अजीब क्या घबराहट क्या हो रहा था कि पता नहीं सब कुछ सही है नहीं है, क्योंकि बीइंग अ मॉम अंदर से तो लाइक लगता ही है ना, तो मुझे भी लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो सब कुछ अच्छा हो, लाइक डिटेल्स में पूरा डॉक्टर इसको चेक कर रहे थे एंड अच्छा लगा जब डॉक्टर ने बोला कि योर बेबी इज़ फाइन एंड इसका जो भी ग्रोथ है नॉल है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बहुत अच्छा है। सो ये सुनने के बाद मुझे लगा किसी ने मेरा रिजल्ट अनाउंस किया, आई वॉज सो हैप्पी, पीयूष भी खुश थे एंड इसका छोटा छोटा यू नो बिहेवियर देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, ये डॉक्टर के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहा था देखो इवान कितना हंस रहा है एंड कैसे खेल रहा है, इसको ना गैजेट्स बहुत पसंद है, इसको घड़ी बहुत पसंद है, लैपटॉप बहुत पसंद है, पता नहीं लड़कों को बचपन से ही ये सारी चीज़ें कहाँ से इतना पसंद आने लगता है। एंड इसके बाद अभी चेकअप होने के बाद हम लोग थोड़ी देर तक वेट किए क्योंकि पहले इस रूम में डॉक्टर चेकअप कर रहे थे एंड उसके बाद दूसरे रूम में ये वैक्सीन लगा रहे थे, तो यहाँ पे ये थोड़ी देर डॉक्टर के साथ खेला एंड इसके बाद हम लोग चले गए बाहर एंड यहाँ पे हम लोग वेट करने लगे हमारा टर्न आने का। नहीं नन 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 वैक्सीन नहीं दिलाना है ना, नहीं दिलाना है ना वैक्सीन, वैक्सीन नहीं दिलाना है ना, वैक्सीन नहीं दिलाना है ना, वैक्सीन नहीं दिलाना है ना इवान को। क्या नाउ योर टर्न इवान, इवान Now it's your turn. पता नहीं तुम कितना रोएगा। Hi, hi दीदी, hello दीदी। अरे देखो ना खुश हो रहा है। पीयूष पहले पूछ लो ना।
बाबू बाबू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मच्छर काट लिया। अरे वाह, बिल्कुल नहीं रोया। स्ट्रेंज स्ट्रेंज रात में रोएगा। घर आने के बाद इवान बहुत डरा हुआ था एंड जैसे ही बलून वगैरह फट रहा था ना, वो बहुत रो रहा था एंड उसे नींद आ रही थी, इसलिए हम लोग उसको सुला दिए एंड वो आराम से 1.5-2 घंटे सोया। तब तक हम लोग उसका बर्थडे का प्रिपरेशन करने लगे एंड हमें डर भी लग रहा था, लाइक मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो उठेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, वो रोएगा क्या करेगा एंड बट फिर भी हम लोग सोचे कि चलो सेलिब्रेट तो करना है, इसलिए हम लोग जब तक वो सो रहा था तब तक हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया। तो फाइनली ये रहा आज का डेकोरेशन, ये मैंने एंड पीयूष ने दोनों मिलके किया है। सिंपल है बट बहुत अच्छा है एंड पूरा वैलेंटाइन वाला वाइब आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लेट सी इवान का क्या रिएक्शन होता है, वो इंजॉय करता है या रोता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसमें दिख रहा था मुझे जब वो सो के उठा था, इसलिए पीयूष ने बोला कि अभी उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दो। फिर हमने और वेट किया थोड़ी देर एंड जब वो नॉर्मल हुआ तब हम उसको इस रूम में लेकर आए एंड अभी हम लोग देखते हैं उसका रिएक्शन, कैसे वो रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो वो चारों तरफ घूम घूम के देखने लगा, ओ भाई ये क्या चल रहा है, इतने सारे रेड रेड बलून, यही है जिसके वजह से मैं डर गया था। एंड इसके बाद इसका ध्यान गया चॉकलेट पे एंड ये झट से चॉकलेट उठा लिया एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अभी ये पीछे पलट कर कभी लाइट देख रहा है, कभी चॉकलेट देख रहा है, कभी केक देख रहा है, कभी बलून्स देख रहा है, तो सारा कुछ ये देख रहा है, इंजॉय कर रहा है, पूरा खेलना चाह रहा है बट हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड फाइनली पूरा इसका घूमना हो गया बेड पे। इसके बाद हम लोग इसको किसी तरह इसका फ़ोटो शूट किए, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था एंड वीडियो कॉल पे पापा कुन्नू सब लोग थे वहाँ पे, तो इसलिए उनको भी सोना था, इसलिए हम लोग जल्दी ही केक कट करने का सोच रहे हैं। फ़ोटोशूट होने के बाद अभी हम लोग इवान को बैठाएंगे एंड आप भी देख सकते हो कैसे ये पूरे लाइक चारों तरफ देख रहा है एंड चॉकलेट से तो ये बहुत खुश है, पता नहीं उसको लग रहा है कि कोई खिलौना है, इस तरीके से वो खेल रहा है चॉकलेट के साथ। केक बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर है एंड खाने में भी बहुत यमी है। इसके बाद मैं सोची कि चलो मैं भी 2-4 फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ इवान के साथ, जब ये बड़ा होगा तो देखेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैं सोच रही थी मन ही मन कि पता नहीं आज का डेकोरेशन कहीं फेल ना हो जाए। वो रोने लगा तो हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से लाइक जैसे मैं चाहती थी, बट इवान ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमें एंड बेचारा बच्चा वैक्सीन लगने के बाद भी इतना एंजॉय कर रहा है एंड ये भी अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। इसके बाद फाइनली इट्स टाइम टू कट द केक। थैंक यू सो मच गाइस। तो बस यही था आज का व्लॉग, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। बस ऐसे ही मेरे बच्चे पे ब्लेसिंग बनाए रखना एंड मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल।